हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके एपीएस गेम में। तो मैंने 2 हफ्ते से वीडियोस नहीं डाली हैं और माइनक्राफ्ट के ऊपर रिक्वेस्ट आई थी कि माइनक्राफ्ट की नई वीडियो कब आ रही है। और माइनक्राफ्ट में मैं काफ़ी टाइप बोर हो गया था क्योंकि मैं उसमें कुछ नया कर नहीं पा रहा था, मुझे नीदर फोर्ट्रेस नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने इस वीडियो में बहुत दिनों के बाद जब मैं डिस्कवर कर रहा था तो मुझे वो नीदर फोर्ट्रेस मिल गया। तो इस वीडियो में हम नीदर फोर्ट्रेस के पास जाने वाले हैं। और हाँ, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको यही लग रहा होगा कि शायद उनको गेम प्ले में मज़ा नहीं आता होगा, उनको वही मेरी जब मैं किसी टॉपिक के ऊपर बात करता उसमें मज़ा आता है। तो हाँ, वो वीडियोस भी मैं लाता रहूँगा लेकिन उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो लेट आया करेंगी, ये थोड़ी जल्दी आया करेंगी। तो चलिए बिना किसी देर से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीदर में जाने से पहले मैं थोड़ा अपना प्रोग्रेसिंग दिखा देता हूँ कैसे क्या है। मैंने एपीएस यहाँ लिखा है, यहाँ पे लेफ्ट में आप देखेंगे तो मैंने घर बनाया था जहाँ पे मैं जॉम्बी विलेजर्स को ट्रीट करता था। ये एक प्रोजेक्ट जो कभी पूरा नहीं हो पाया। यहाँ पे हॉर्सेस का अस्तबल है, यहाँ पे मैंने डंकीज और हॉर्सेस का मैंने आपको दिखाया ही होगा पहले की मतलब मैं देख के ओके फील्ड का आ गया। मैं सोच ही नहीं सकता कैसे डोंकी और एक घोड़े का मतलब। लेकिन सबसे ज़्यादा तगड़ी बात है ये फार्म। इस फार्म में मैंने विलेजर्स को रखा है और जो विलेजर्स हैं उनको मैंने फार्मर्स बना दिया। बस दिक्कत ये है कि ये लोग वीट तोड़ के चेस्ट में रखते नहीं हैं, उनको मैं बाद में संभालता हूँ। और हाँ, और यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इनकी पॉपुलेशन मेरे घर से भी ज़्यादा है, मतलब जहाँ पर मैंने बनाया इनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि किन्हीं किन्हीं को तो रहने की और सोने की जगह नहीं मिलती, तो ऐसे उनको नीचे सोना पड़ता है। चलो बेटा यहाँ पर आराम से आराम करो, हम थोड़ा आपको आगे का दिखाते हैं। थोड़ी दिक्कत हो गई है कि फार्मर तो हैं लेकिन बाकी कुछ और भी है, लेकिन अच्छा है, ज्यादा कोई रेयर लोग नहीं है। लेकिन क्या करें, बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे एक लाइब्रेरियन? वैसे क्या कर रहा है तू, डील कौन सी बुक दे रहा है? अच्छा, फायर स्पेक्ट, कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। बाकी सारी चीज ना आपने देखूंगी लेकिन एक चीज नहीं देखूंगी जिसको दिखाने में बहुत मज़ा आएगा बहुत। ये देखिए, इतनी बुक्स मैंने करके रखी हैं सिर्फ और सिर्फ उस फोर्ट्रेस की फाइट के लिए। इतनी एनचेंटिंग करके जाऊंगा, इतनी एनचेंटिंग करके जाऊंगा, किसी ने सोची ना होगी। मैंने अपने लास्ट माइनक्राफ्ट की वीडियो में दिखाया था कि मैं विलेजर्स को ले आया हूँ, लेकिन उसके बाद कोई माइनक्राफ्ट की वीडियो डाली नहीं तो आपको कुछ पता ही नहीं चला होगा। तो यहाँ देखिए मैंने कितने ज़्यादा विलेजर्स बना लिए हैं, मतलब बनाई है समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे विलेजर की तादाद कम इसलिए क्योंकि आधे से ज़्यादा उस फार्म में चले गए हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको लाइब्रेरियन दिखाता हूँ। ये लाइब्रेरियन मुझे हर बार ये पता नहीं फायर प्रोटेक्शन या फायर एक्सपेक्ट देता रहता है। हाँ, फायर प्रोटेक्शन। और यहाँ पे एक गेट है, बस एक गेट खुलता है, थोड़ा मुश्किल है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज। और कुछ नया नहीं है दिखाने को। हाँ, अब तो अब सीधा चलते हैं नेदर में। तो मैं यहाँ पे अपने बेसमेंट में आ गया हूँ जहाँ पर मैंने अपना पोर्टल बनाया है और हम चलते हैं नेदर में। जब तक हम नेदर में पहुँचते मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था और ऐसे माइनक्राफ्ट की ऑफलाइन बना रहा था इस वीडियो के बाद का ये सारा जो भी हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर मेरा पिग फार्म था वहाँ पर यहाँ पर प्लेजर्स आ गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि प्लेजर्स थे कि कौन, मतलब प्लेजर्स ही इनको कहते हैं, और ये लोग ने उनकी जगह ले ली थी कि पिग्स ही प्लेजर्स बन गए थे। और फिर बाद में वो लोग चले भी गायब भी हो जाते थे और फिर उसकी वजह भी मुझे पता चल गई थी क्या है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेन बन गया और यहाँ पे कोई घुसा हुआ है हमारे पोर्टल में। लगता है ये हमारे वर्ल्ड में आना चाहता है लेकिन बेचारा नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे ये आपने मेरा देखा ही होगा, ये पहले भी वीडियोस में मैं यहीं पाता हूँ। मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसकी मुझे ऐसे सीधे सीधे में चलना है और मेरा वो नीदर वाला आ जाएगा फोर्ट्रेस। उन्हें पहले मुझे घूम फिर के बहुत जगहों से जाना पड़ता था, तो लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी वीडियो में एक रास्ता बना दूँ सीधा उसके, मतलब कि सीधा वहीं पहुँचूँ वहाँ जाके। तो रास्ता बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारा सामान लिया तो है, चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है रास्ता बनाने में।
much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. तो finally इतनी मेहनत के बाद मैंने अपना ये ब्रिज कंप्लीट कर लिया. लगभग हमने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया, बस ऊपर और जाना है. तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से. 80% जर्नी लगभग कंप्लीट हो गई यहाँ पे. बस अब मुझे, मैं ये थोड़े कॉबलस्टोन इसलिए रख रहा हूँ ताकि मुझे रास्ता याद रहे. और लगभग अब बस हम पहुँच ही गए हैं और यहाँ पे हमें बस वो कुछ उड़ता उड़ता मतलब झुरझुरियाँ सी आएंगी और पता चल जाएगा कि हम पास पहुँच गए. ओके, यहाँ पे मैं ऐसे बनाते जा रहा हूँ ब्लॉक. सामने मेरे यहाँ पे दुविधा है और यहाँ पे गास्ट भी हमारी बैंड बजा रही है, तो हमें यहाँ पे जल्दी से बना लेना है एक ब्रिज. बच गया है. ये घास से, ये दूसरी वाली घास के तो मैं बिल्कुल पास से निकला और उसने चलो कुछ नहीं किया. और मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये रहा मेरा वो नीदर फोर्ट्रेस. मैं इसके अंदर पहले भी जा चुका हूँ लेकिन मैं इस बार भी जाऊँगा. और लेकिन पिछली बार मुझे कुछ ज़्यादा कुछ आया नहीं. मुझे वीडियो आ रही है इसकी ऐसी की तैसी. कौन है भाई इसकी ऐसी की तैसी? ये तो ब्लेज रॉड था. मेरा मतलब कि शायद इसको ब्लेज रॉड कहते हैं. रुको अभी मैं इसकी बैंड बजाता हूँ. अभी एक मिनट पहले वो तो नहीं है ना, उशी मुशू करती है जो, अरे क्या नाम है, घास्ट. हाँ एक मिनट भाई, इतना क्या हिल रहा है भाई. ओके, वो लगता है उसको हिट हो गया है भाई. वो तो जल नहीं लग रहा है. ओके. अरे 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 भाई 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 यार, ओ नहीं, लगता मुझे कर्ज हो गया मुझे लगता है. ओके हो, कुछ नहीं हुआ. चलो पहले आराम से यहाँ पे धीमे धीमे पहले एक ब्लॉक बनाऊँगा. मेरा मतलब कि ऐसे रुको, दीवार बना लेता हूँ और ऐसे दीवार बना के फिर उसके उधर से मारूंगा छेद से. मेरा मतलब एक होल बना के. मैं तो कुछ और ही समझ रहा था. फिर कुछ भी, बस मुझे एक कवर चाहिए बढ़िया वाला, सामने वाला. ओके मैं इसको पेलता हूँ. मुझे लगता है अभी शांत हो गया थोड़ा. अरे ये क्या कर रहा है, देखा किसी ने? ये क्या कर रहा है? ये देखो, पहले नहीं करता था. लगता है नए अपडेट में कुछ नया है. ओके मैंने उसको पहल दिया. ओके शायद अब ब्लेज रॉड अब हमें प्राप्त होने वाला है. यहाँ पे तो सिर्फ एक्सपी. ओके वहाँ पे एक और घास आ गई है. ये देखो मैं अंदर गया था लेकिन मैं फिर वापस भी आ गया. अरे अरे भाई, अरे नहीं, लगता है वो इसको मैं पहल देता हूँ. अबे ये क्या हो गया है? लानत है तुम लोग पे, लानत. मैं जब इतनी बड़ी चीज को नहीं मार पा रहा तो मैं क्या तिरंजा. ओके 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 ओ दो में ही पिल गई, बढ़िया है. बस नानी, उमाए वा मो सिंदेरू. अच्छा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या. यहाँ बीच में बहुत बड़ा होल है और यहाँ पे, अबे यार बस. तो फिर हम अब करते क्या हैं, अब हम अगली वीडियो में निधर में जाएंगे, मतलब कि निधर फोर्ट्रेस में. अब हम चलते हैं सीधा घर. ओके तो हम निधर से वापस आ चुके हैं. अब हम अपना सारा सामान रख देते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है. चलो सारा सामान इम्पोर्टेंट रख दिया. तो मैं यहाँ पे माइनिंग को चलता हूँ. माइनिंग से पहले यहाँ पे मैंने एक एक्सपी फॉर्म बनाया था जो कि ढंग से काम नहीं करता है. उसमें जाके थोड़े मॉब मार देता हूँ या फिर क्रीपर. अबे मर क्यों नहीं. ओके यहाँ पे हम मार दें. तो पहले मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि टाइम क्या हो रहा है. मेरा मतलब कि पता चलना चाहिए ना कि रात हो जाएगी कि दिन हो जाएगी. तो हम टाइम चेक करने के लिए, ओके सर के ऊपर है तो हम आराम से जाके ढूंढ सकते हैं कोई माइन वाइन जहाँ पे हम माइनिंग कर सकें. ओके अब हमें सूरज ढलने से पहले एक माइन ढूंढनी चाहिए और उस माइन में माइनिंग करनी चाहिए. ठीक है तो यहाँ पे शायद बहुत सारे माइन है लेकिन हम मिल नहीं रही माइन. ओके यहाँ पे कि माइन तो दिखी मुझे एक मिनट. और ये माइन कुछ खास नहीं है. और इस माइन में एक राइट में मुझे एक विलेज दिखा. एक मिनट,
ये विलेज जैसा ही कुछ है। ओके ओ ये विलेज नहीं है, मुझे लगता है ये शिवरेक है जो कि जमीन वाला। ओके ओके हमें एक शिवरेक मिल गया है जो भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं पहले इसको अच्छे से एक बार देख लेता हूँ कि शिवरेक ही है कि नहीं। यहाँ पर पता नहीं क्या ग्लिच हो गया है, लगता है किसी ने इसको पहले भी तोड़ रखा है। इतनी खुशी मुझे आज तक। मुझे यहाँ पे कोई गेट वेट तो दिख नहीं रहा है, तो शायद मुझे इस पानी के अंदर जाके इसको तोड़ना शुरू करना चाहिए ताकि मुझे कोई चेस्ट वेस्ट मिल जाए। तक कुछ मिल नहीं रहा। ओके सामने मेरे गेट, और मैं तब से यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ, इसके अंदर पक्का मुझे चेस्ट मिलने वाली है। ओके यहाँ पे किसी ने तोड़ रखा है ऐसा। दुख का खत्म नहीं होता बे। ये चेस्ट में कुछ नहीं, ये क्या हो गया? प्रैंक हो गया आपके साथ। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ कहीं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा। मैं इस पूरे बोट को खोद डालूंगा, कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। After this incident, APS Gaming was traumatized. Meanwhile, मैं पागल हूँ। तो यार बस मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया इस वीडियो को बनाने में, लेकिन आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा उस सब्सक्राइब के बटन को दबाने में और इस वीडियो को लाइक करने में। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाया तुड़ा हाथ वाला था के जो दिसी टी गोले चन दिए जबन तो सामान सामान तुम बादाम पावन।